The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar! Aadab, Sat Sri Akal. Dosto, ghar mein hi, ghar mein apne lungs ko, apne phefdon ko aur zyada mazboot kaise kare? How to increase the lungs capacity at home, अपने lungs को और मजबूत, अपने lungs की health को better कैसे करें, कौन सी exercise करें? बहुत simple exercise हैं. याद रखिए, आपके lung की capacity का मतलब ये है कि कितने total amount of air आपका lung एक साथ hold, आपके फेफड़े hold कर सकते हैं. समय के साथ, उम्र के साथ, धीरे धीरे पोल्यूशन से, स्मोकिंग से, एट्सेट्रा एट्सेट्रा से कई बार आपके लंग्स की कैपेसिटी कम होने लगती है. अब ऐसे में कुछ अगर बीमारी हो जाए, खासकर मान लीजिए COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर डिजीज, तो वो सिग्निफिकेंटली आपके लंग की कैपेसिटी कम होने की स्पीड 2-3-4 गुना तेज हो जाती है. स्पीड कम मतलब और ज़्यादा जल्दी ख़राब होने लगता है लंग, फंक्शनैलिटी खराब होने लगती है. ऐसे में बहुत ज़्यादा जल्दी आपको सांस फूलने लगेगा, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगेगी. फॉर्चुनेटली इसको हेल्प करने के लिए, इसकी स्पीड को स्लो करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ तरीके हैं जो आप घर में कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ आपके लंग की कैपेसिटी मेंटेन होगी, आपके लंग को हेल्प होगी, बल्कि अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है भी या माड़ी मोटी है, माड़ी मोटी मतलब थोड़ी बहुत ही, तो आपको ऑक्सीजन लेने में मदद भी मिलेगी. ऐसे में अगर आपको सांस फूल रही है और ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ रही है किसी बीमारी के वजह से, चाहे कोरोना हो चाहे कोई भी, तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी. बहुत अच्छी बात है, राइट? हाई फ्लो की जगह लो फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी. सो क्या है ये सिंपल टेक्निक्स और कैसे करनी है ब्रीदिंग, इसमें हम आज आपसे बात करेंगे 2-3 मेन प्रकार के ब्रीदिंग की. नंबर वन जो ब्रीदिंग टेक्निक है, जिसको हम कहते हैं डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग. क्या है ये डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग? डायफ्राम मतलब आपके ये बेसिकली डायफ्राग मतलब आपके थोरैक्स, आपके ऊपर के छाती को पेट से अलग करने वाली मसल. तो डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग का मतलब होता है बेली ब्रीदिंग, मतलब कि जब आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो अपने पेट को इन्वॉल्व करें, अपनी बेली को इन्वॉल्व करें, अपने डायफ्राम को इन्वॉल्व करें, विच इज सपोज टू डू, राइट? ज़्यादातर जब भी आप हैवी लिफ्टिंग करते हैं ब्रीदिंग की, तो मतलब ब्रीदिंग में जो मेन भार है उसका, वो डायफ्राम का ही होना चाहिए, राइट? मेन चीज. अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, किसके लिए है? खासकर उन लोगों के लिए जिनको के COPD, जिनको के क्योंकि क्या होता है, COPD वाले पेशेंट्स जिनको सांस में दिक्कत, ऑलरेडी लंग्स बहुत सख्त हो गए हैं, इनके केस में डायफ्राम उतना इफेक्टिव नहीं रह जाता, और इस टाइप के पेशेंट्स को इस टाइप की ब्रीदिंग का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है. सो आपने क्या करना है, एक तो डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग कैसे करना है समझो. इसमें सबसे पहले आपको अपने शोल्डर्स रिलैक्स करके पीछे बैठ जाना है, लाई डाउन प्रॉपर, या तो बैठ जाओ सीधा या लेट जाओ, दोनों में से एक ऑप्शन. उसके बाद आपने पेट में अपना एक हाथ रखना है, पेट में एक हाथ रखना है चेस्ट, एक हाथ पेट पे, एक हाथ चेस्ट, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, इनहेल करना है, सांस लेनी है आपने नाक से 2 सेकंड के लिए, 1 और 2. इसमें आपको फील करना है एयर को, हवा को अंदर जाते हुए, और अपना पेट का हाथ उठते हुए फील करना है, स्टमक को बाहर आने के लिए आने दो. जब अंदर सांस ले रहे हो तब योर स्टमक शुड मूव मोर देन योर चेस्ट, ऐसे की जगह
योर स्टमक वाला हाथ, पेट में जो हाथ है वो आपके छाती वाले हाथ से ज्यादा मूव होना चाहिए। 2 सेकंड के लिए आपने सांस अंदर लेनी है, 1 2 पूरा, ठीक है। उसके बाद 2 सेकंड के लिए आपने सांस बाहर छोड़नी है और पर्स्ट लिप करके छोड़नी है। पर्स्ट लिप का मतलब है फू, यानी छोटी सी सीटी बजाने वाला, ये मुंह में पाउट बना के या छोटा सा बना के। तो 2 सेकंड के लिए सांस अंदर लेनी है, 2 सेकंड के लिए सांस छोड़नी है, अंदर लेनी है नाक से, छोड़नी है मुंह छोटा भर के मुंह से, और इस छोड़ने के टाइम पे हाथ से पेट को दबाए। जी हाँ, हाथ से पेट को दबाए, प्रेस योर स्टमक इनसाइड। तो ये करिए, आपने रिलैक्स करके एक पहले सांस लीजिए, 2 सेकंड अंदर खींचा, पेट बाहर आया, फिर 2 सेकंड बाहर, अंदर नाक से बाहर मुंह से, पेट अंदर छोड़ा, एंड रिपीट। इसमें जो सेकंड एक्सरसाइज है वो इंक्लूड हो गई, पर्स्ट लिप ब्रीदिंग। पर्स्ट लिप ब्रीदिंग मतलब यही होती है, मुंह के पाउट करके, छोटा करके मुंह को, जैसे आप किसी स्ट्रॉ से, छोटे से स्ट्रॉ से ब्रीदिंग कर रहे हैं, ऐसा सोचें। इसमें आप एक स्ट्रॉ लेके एक बोतल में गुड़ 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 भी कर सकते हैं। स्ट्रॉ लेके बोतल में डाल के फूंक मार के अपने पूरे लंग को, फेफड़े को खाली कर सकते हैं, या फिर ये स्ट्रॉ के थ्रू छोड़ने वाला काम है। याद रखिए, स्ट्रॉ के थ्रू छोड़ना है, उसको पर्स लिप ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। इसकी टाइमिंग भी गिन सकते हो कि मेरी टाइमिंग छोड़ने की 2 सेकंड पूरी हो रही है, 3 सेकंड पूरी हो रही है, लंबी कितनी जा रही है। जितना ज्यादा आप लंग खाली करोगे उतना अच्छा है, और जल्दी जल्दी नहीं, भस्त्रिका नहीं करनी है। वो वाला यंग आदमी के लिए, दूसरे के लिए चलेगा, जिसको लंग की बीमारी है उसके लिए स्लोली उसको अपना लंग खाली करना है। तो पर्स लिप ब्रीदिंग करनी है। पर्स लिप ब्रीदिंग अलग से भी कर सकते हैं, ये वाले हाथ वाली एक्सरसाइज नहीं भी करके, डायफ्रेग्मेटिक ब्रीदिंग नहीं भी करके, क्योंकि पर्स लिप ब्रीदिंग से ना सिर्फ आपके एयरवे और अच्छे से ओपन होते हैं, एयरवे रिलैक्स होते हैं, ब्रीदिंग आसान होती है। जिनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है वो भी उस समय पर्स लिप ब्रीदिंग करेंगे तो हो सकता है अस्पताल जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज बहुत बेहतर होता है, इजियर भी है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है इसको करना। आप सिर्फ पर्स लिप ब्रीदिंग करना चाहते हैं तो अगेन आपने स्लोली अपने नाक से ब्रीद इन करना है, उसके बाद पर्स लिप बना के, यानी मुंह छोटा करके, ऐसे जैसे एक स्ट्रॉ से फूंक मार रहे हैं ऐसे करके फूंक मारनी है। फूंक मारो किसी, जैसे बोतल पे या गिलास में पानी डाल के पथरी में बुड़ 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 वाला फूंक मार के, जितना हो सके स्लोली, स्लो एज पॉसिबल, जितना स्लो उतना आसानी से करते रहो, और इसको जितना देर तक करोगे उतना अच्छा। सिंपल है, जितना स्लो फूकोगे, जितना देर तक फूकोगे उतने आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी। इसको कंपटीशन बना लो, इसको कंपेयर कर लो, इसको एक दूसरे से, मेरा ज्यादा, मैं स्लो करूंगा, मैं स्लो करूंगा, वो कर लो। दिस कैन बी डन ट्वाइस एटलीस्ट, मतलब जितने देर में अंदर खींचा उससे 2 गुना देरी आपने पर्स लिप ब्रीदिंग में बाहर खींचना है। मतलब 2 सेकंड अंदर, 4 सेकंड बाहर, सिर्फ पर्स लिप ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज में। 4 से ज्यादा भी करना है, 4 से ज्यादा भी कर सकते हो। जितना लंग फेफड़ा खाली करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। ये 2 एक्सरसाइजेस घर में जरूर करनी है, खासकर अगर आपको सांस की बीमारी है, किसी प्रकार का अस्थमा है, सीओपीडी है, तो ये बीमारियां आपके लिए बहुत, ये तरीका, एलर्जी है, ब्रोंकाइटिस है, तो ये 2 एक्सरसाइजेस आपने जरूर करनी है और सबको बतानी है। ये कोविड एरा है, कोविड के जमाने में ये एक्सरसाइजेस आपकी जान बचा सकती हैं, आपका अस्पताल में एडमिशन रोक सकती हैं, अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम कर सकती है, हाई फ्लो से लो फ्लो पे जा सकते हो, एडमिशन से बच सकते हो, जान बच सकती है, इससे ज्यादा क्या चाहिए।
इसको जरूर 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 शेयर करना है जितने ज्यादा लोगों से उतना हो सके। ठीक है, दिस इज डॉक्टर परमजीत, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।